dear students, today we will discuss what are the binary operation for the given set of matrices. अगर हमारे पास set of matrices होगा उसके लिए कौन कौन से binary operation बन सकते हैं. We take the basic operations for this set of matrices. Dear student, if we have a set of matrices, we have then operations which are defined on set of matrices. See, we have in basic operations mein addition of matrices, ye bhi hamare paas hai. Matrix addition jise bolte hain, matrix addition. Matrix addition. ये हमारे पास इसका एक बेसिक ऑपरेशन. इस तरह मैट्रिक सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ये सेकंड है. तीसरा है मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन. ये तीन बेसिक ऑपरेशंस है विच आर डिफाइंड फॉर ए पर्टिकुलर सेट ऑफ मैट्रिसेस. अब यहां पे हम चेक कर लेंगे व्हाट हैपन्स कब हमारे पास ये तीन ऑपरेशंस जो है ये बाइनरी ऑपरेशन बन सकती है. इफ वी हैव अ सेट ऑफ मैट्रिसेस, इंपॉर्टेंट फॉर द एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा टू स्टडी द सेट ऑफ मैट्रिसेस अलोंग विद बाइनरी ऑपरेशन. ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फॉर द study of abstract algebra. Dear students, if we have a set of matrices taken matrix addition, a set of matrices here, what happens? यहां पे set of matrices, dear students, क्या addition हम यहां पे कर सकते हैं? पहले ये देख लो. अगर हम ये जनरल सेट ऑफ मैट्रिसेस दे दिया, इफ वी हैव अ मैट्रिक्स मैट्रिक्स देन वी हैव द ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स. देयरफॉर ये जो जनरल सेट हमने यहां पे लिया, इसमें जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस होगा वो तो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1x2 होगा, किसी का 1x1, किसी का 4x5, किसी का 100x100. ये हमने जनरल सेट ले दिया. Therefore, addition is not defined on the whole set. Pehli baat. If we take a set of matrices, then we cannot say addition is defined on the set. Binary operation ki baat hi nahi. Pehle addition define hona chahiye. Phir hum dekh sakte hain kya addition binary addition matrix addition jo hai kya wo binary operation banega. तब जाके अगर एडिशन की बात कर ले तब हमें इस सेट ऑफ मैट्रिक्स का पर्टिकुलर सेट ले लेना है. डियर स्टूडेंट, इसका पर्टिकुलर सबसेट ले लेना है, वो हम यहां पे लेंगे इसका पर्टिकुलर सबसेट. इस सबसेट में हमें रेस्ट्रिक्शन डालनी है मैट्रिक्स पे कि इस सेट में सेट ऑफ मैट्रिसेस है जिनका ऑर्डर सेम होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस सेट में ले लेंगे सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2, तब जाके इस पर्टिकुलर सेट में खाली 2x2 मैट्रिसेस है. वी हैव अ सेट ऑफ मैट्रिसेस हुज ऑर्डर इज सेम, देन नेसेसरी एडिशन इज डिवाइडेड. एडिशन इज यहां पे ये जो सेट ऑफ मैट्रिसेस है, सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, यहां पे एडिशन इज डिफाइंड, एडिशन इज डिफाइंड. ये तो डिफाइनड है. क्या अब ये बाइनरी ऑपरेशन? इफ वी हैव इस टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, एडिशन इज डिफाइंड, देन द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज आल्सो ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर. यहां पे जो एडिशन है, तब जाके एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन फॉर द सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर. रिमेंबर दिस.
इसी तरह अगर यही सेट हम लेंगे सब्ट्रैक्शन की बात करने, इफ वी टेक द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज आल्सो ऑफ द सेम ऑर्डर, देयरफॉर सब्ट्रैक्शन इज आल्सो, एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन इज बाइनरी ऑपरेशन. नाउ व्हाट हैपेंस विद द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? If we have a set of matrices, तब जबकि matrix multiplication is not defined on a general set of matrix, वो तो define नहीं होगा. Particular set हमने यहाँ पे ले लिया, set of matrices आप same है. क्या multiplication यहाँ पे पहले define है? अगर define होगा फिर जाके हम देख सकते हैं क्या ये इसके लिए binary operation है कि नहीं है. पहले अगर हम लेंगे मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, फॉर एग्जांपल वी हैव मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर से 2x2, 2, 3, 4, 5, नेक्स्ट मैट्रिक्स इज 5, 6, 7, 8. जैसे आपने पढ़ा होगा कि हाउ वी मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस, यहां पे जो रिजल्टेंट यहां पे मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड, मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड एंड इज एंड द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज आल्सो 2x2 मैट्रिक्स. But if we have this type of matrix, say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 class 3 matrix, next 2 class 3, 5, 6, 1, 3, 2, 1. Agar is type ka set of matrices hoga, that is 3 class 2, sorry for this, 2 class 3. Agar humare paas 2 class 3 matrix ka set hum lenge, addition to possible hai. Addition is defined as well as it is binary operation. Subtraction is defined as well as binary operation. What happens with the matrix multiplication? Agar humne 2 cross 2 set of matrices liya, addition is binary operation, subtraction is binary operation, but multiplication is also defined and the resultant matrix is also 2 cross 2 matrix. Tab jaake yahan pe agar is tarah ka particular set le liya, उस टाइम वहां पे प्रोडक्ट इज आल्सो बाइनरी ऑपरेशन. बट दिस सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x3, ये भी हम यहां पे सेट ऑफ मैट्रिसेस ले रहे हैं विच इज ऑफ ऑर्डर 2x3, व्हाट हैपेंस उस केस में? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही डिफाइन नहीं है. जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही डिफाइन नहीं है तब जाके कैसे बाइनरी ऑपरेशन बन सकता है? मीन्स यहां पे दो पॉसिबिलिटीज आ गए. अगर हम सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर ले लेंगे, वहां पे कभी वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन बन सकता है, कभी नहीं बन सकता है. दोनों पॉसिबिलिटीज है. मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मे आर मे नॉट बी बाइनरी ऑपरेशन फॉर द सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर. रिमेंबर दिस. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब कहीं पे अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ मैट्रिसेस होगा, वहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन बनेगा. कौन सी पॉसिबिलिटी है किस सेट ऑफ मैट्रिक्स पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन बन सकता है? उसके लिए इसी सेट पे रेस्ट्रिक्शन डाल दिए यहां पे. मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर लेकिन एडिशनल कंडीशन, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर. अगर हम ये कंडीशन डाल देंगे, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, अगर ये हम लेंगे सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, तब जाके मल्टीप्लिकेशन जो बेसिक ऑपरेशंस है मैट्रिसेस के लिए, वहां पे वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो बाइनरी ऑपरेशन फॉर द सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर. अब जो हमारे पास सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर जो सेट है, व्हाट हैपेंस विद एडिशन? मैट्रिक्स एडिशन है, मैट्रिक्स सबट्रैक्शन. This is the set of square matrix of same order. Same order to yahan pe means addition is also
binary operation for this set of square matrices of Schliemann. Subtraction is also binary operation for this square set of square matrices of Schliemann. Dear students, ये कुछ binary operations जो हमने basic operations of set of matrices का लिया, उन basic operations में से कौन कौन सा operation इस इन पर्टिकुलर सेट ऑफ मैट्रिसेस के लिए बाइनरी ऑपरेशन बनता है, वो हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास सेट ऑफ मैट्रिसेस होगा किन कंडीशंस में जो बेसिक ऑपरेशंस है मैट्रिक्स के लिए सेट ऑफ मैट्रिसेस के लिए, दैट इज मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स सबट्रैक्शन, और में से कौन कौन सा ऑपरेशन किन किन पर्टिकुलर सेट ऑफ मैट्रिसेस के लिए बाइनरी ऑपरेशन बनता है, वो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया. डियर स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम मोर इंपॉर्टेंट सेट्स एंड देयर बेसिक ऑपरेशंस, कब वो बेसिक ऑपरेशन उन सेट्स के लिए बाइनरी ऑपरेशंस बन सकती है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में. डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि वीडियो को इख्तिताम कर दें, सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो शेयर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे भी इनसे इस्तिफादा हासिल कर सके. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.